नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल पुलिस की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत भांगा पाचिल स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी में चार हथियारबंद अपराधियों ने करोड़ों की डकैती कर फरार हो गए। लुटेरों द्वारा कंपनी के सुरक्षा गार्ड प्रबंधन और महिला अधिकारी को बंधक बनाकर एक कमरे में रख दिया गया। उसके बाद इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। सुरक्षा गार्ड अनिल कुमार पांडे के अनुसार एक व्यक्ति लोन लेने के नाम पर शाखा में आया था, उसके फौरन बाद तीन लोग और आ गए और उन्होंने सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर गिरा दिया और उसे बंधक बना लिया। उस समय कार्यालय में चार अधिकारी और एक ग्राहक मौजूद थे। लुटेरों ने सभी को बंदूक की नोक पर एक कमरे में बंद कर दिया और सभी के मुंह पर सेलो टेप और हाथों में रस्सी बांध दिया। उसके बाद शाखा के प्रबंधक के साथ मारपीट कर लॉकर की चाबी लेकर सोने और नकदी बैग में लेकर फरार हो गए। शाखा प्रबंधक ने बताया कि करीब 12 किलो सोना और 10 लाख रुपए नकद लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान में करीब 5 करोड़ की लूट हुई है। महिला अधिकारी ने बताया कि चार लोग लोन लेने के बहाने आए थे, जब वह उनके सोने के एवज में उनको कितना कर्ज मिलेगा के बारे में बता रही थी, तभी अचानक उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके उपरांत अपराधी करीब 10 लाख नकद और 12 किलो सोने लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चारों अपराधी हिंदी में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हम लोगों का सहयोग करो, नहीं तो सभी को मार देंगे और हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपराधियों ने यह भी धमकी दी कि तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम लोग कहाँ रहते हो, कल शाम को कहाँ थे, सब जानकारी है हमें, इसलिए हम लोगों का सहयोग करो, नहीं तो तुम लोगों के साथ बुरा अंजाम होगा। सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और आसपास के निरीक्षण में जुट गई। इसके अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DCP सेंट्रल और ACP सेंट्रल मौके पर पहुँचे और घटना की बारीकी से जांच कर रहे हैं। साथ ही मुथूट फाइनेंस कार्यालय में लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा आसपास के दुकानदारों से भी जानकारी ली गई और CCTV फुटेज देखे गए। DCP सेंट्रल ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही सीमाओं को सील कर दिया गया है और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा सभी थानों को जानकारी दे दी गई है और उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। अपराधी जल्द ही पुलिस के कब्जे में होंगे। एक आदमी आया, पहले कस्टमर बनकर बोला लोन लेना, हम दरवाज़ा खोलने के बाद बंद कर दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद बंद कर दिया, फिर वो इतना दूर आया, यहाँ से फिर झपट के उधर गया। हम बोला वहाँ जाइए, वहाँ लोन होता है, वहाँ जाइए। उसके बाद झटक के हमारा हाथ में चाबी था, झपट के चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद हमको मारा है, यहाँ देखिए मारा। अच्छा, ठीक है, खुला हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको जो हम तो चाबी लेकर के जो मारा हमको ना, हम वहाँ से भागा, फिर मारा, फिर चाबी छीन लिया। चाबी छीन करके फिर खोला, फिर 3-4। तो कितना आदमी लोग आया? 4 आदमी रहा। कैसा ड्रेस पहने थे? एक तो ये हल्का ऐसा कलर, इधर ये जो कलर है वैसा ही कलर का ही पहना रहा। एक तो सादा काला चेक पहना रहा, एक तो हमारा रंग का ड्रेस पहना रहा, जींस पैंट पहना रहा। हाथ में कुछ था क्या? हाथ में रिवॉल्वर रहा, एक हाथ में सादा रिवॉल्वर रहा, एक हाथ में काला रिवॉल्वर रहा। तो चारों का हाथ में क्या, क्या यहाँ से लो, यहाँ से क्या क्या, फिर इस वक्त क्या किया, किधर गया लो, फिर किधर गया? हम लोग का हाथ तो बांध दिया रहा, हम लोग का हाथ बांध दिया रहा, मुँह में ऐसे टेप मार दिया रहा, सबको यहाँ अंदर ढुका दिया रहा। अच्छा, यहाँ पर अंदर ढुका करके और ले करके आराम से निकल गया। निकलने के बाद जो है किसी तरह से हमने हाथ उठ खोला तो आराम बन जाए। लोग क्या पैसा वगैरह कुछ लेके गया है? पैसा भी लेके गया, सोना भी लेके गया, सब। कितने
কি মনে হচ্ছে স্যার? আমি আসছি, আমি আসছি।